हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। टाइटल से एंड थंबनेल से आपको मालूम पड़ गया होगा कि यस, मेरे घर पे एक नया मेंबर आ चुका है। सो उसको हम लोग कल लेकर आए थे, यानी कि 27 अप्रैल को लेकर आए थे शाम को। उसका नाम हमने रखा है चार्ली। और रीज़न उसको यहाँ पे लाने का जो भी है वो मैं आप लोग को एक इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक लैब है और वो 8 ईयर्स का हो चुका है। एंड अगर घर पे आपके पास एक डॉग है तो जितना केयर हम एक छोटे बच्चे का करते हैं उस हिसाब से केयर हमें डॉग्स का भी करना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर केयर नहीं कर सकते हो तो फिर डॉग को घर पे लाके कुछ मतलब नहीं होता है। सो बहुत केयर हमको टॉमी का करना पड़ता है। टॉमी को हम लोग घर में कभी अकेला नहीं छोड़ते, तो हमारी पूरी फैमिली कभी बाहर साथ में घूमने नहीं जाती है। मोस्टली मैं या मेरा भाई घर पे रुकते ही हैं, और अगर कभी गए भी हम चारों जन बाहर तो कोई ना कोई बिल्डिंग में से किसी ना किसी को तो हम घर पे बिठाते हैं ताकि वो टॉमी का ध्यान दे सके। सो हमारे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमको एक दूसरा डॉग लेना है, क्योंकि ऑलरेडी टॉमी को संभालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट सीन कुछ ऐसा था कि अगर आप मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स देखे हो या इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करते हो तो मैं डॉग्स के कुछ फ़ोटोज़ डालती रहती हूँ। जहाँ मैं जिम जाती हूँ वहाँ पे जो डॉग्स हैं उनके फ़ोटोज़ मैं डालती रहती हूँ। सो उसमें से जो फीमेल डॉग थी तो उसने सबसे पहले 2 बच्चे को बर्थ दिया था, एंड उसमें से किसी एक का डेथ हो गया था। एंड उस टाइम पे धीरे धीरे हमारी पूरी फैमिली वहाँ पे जिम जाना शुरू की थी। सो उस टाइम से हम लोग उसको और उसके बच्चे को, तो एक का तो डेथ हो चुका था और एक जो था उसको हम फीड करते थे, एंड जिसको हम फीड करते हैं जो उसका जो बच्चा था वो भी अच्छा खासा भी बड़ा हो चुका है, तो वो भी काफ़ी ठीक है। एंड अगर उसमें से किसी का तबीयत ख़राब होता है तो डॉक्टर के पास भी लेके जाना, सारा मेडिकेशन हम लोग सब ध्यान देते हैं। एंड उसके बाद उसकी मम्मी ने फिर से 4 पपीज़ को बर्थ दिया था, जिसमें से एक पपी का क्या हुआ कुछ भी आइडिया नहीं है। फर्स्ट डे वो दिख रहा था, देन सेकेंड डे क्या हुआ कुछ आइडिया नहीं था। उसके बाद 3 पपीज थे, और डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने हमको बोला था कि आप उनको खुद से कुछ मत फीड करना, क्योंकि गैस्ट्रो होने का चांसेस है, तो उसको सिर्फ माँ का दूध पीने दो, बस आप जो फीमेल डॉग है उसको फीड करते रहो। सो हम वही कर रहे थे, एंड कुछ दिन में एक न्यूज़ आती है कि उसमें से एक पपी का डेथ हो चुका है, उसका कार एक्सीडेंट हो गया इसलिए उसका डेथ हो चुका है। उसके बाद सिर्फ 2 पपीज बचे थे, जिसमें से एक पपी को डॉग बाइट हुआ था एंड टॉन्सिल हुआ था, तो उसको डॉक्टर के पास हम लोग लेके गए थे। एंड उस टाइम पे हमको उम्मीद था कि काफ़ी छोटी है और मेडिकेशन तो हम दे रहे हैं, सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो बचेगी कि नहीं उस टाइम हमको कुछ आइडिया नहीं था। बट वो सर्वाइव कर गई थी, काफ़ी हेल्थी हो चुकी थी, और वो एक फीमेल डॉग थी। एंड कल उसका भी एक्सीडेंट हो गया, और कार एक्सीडेंट ही था, जिम के जस्ट बाजू में उसकी बॉडी थी। तो कल जब मेरा भाई उनको फीड कराने गया था तो मेरे भाई ने कॉल किया, बोला कि दीदी वो जो डॉग थी जिसको डॉग बाइट हुआ था उसका भी डेथ हो चुका है, एंड रीज़न यही है कि उसका भी कार एक्सीडेंट हुआ है। सो यानी कि 4 बच्चे थे जिसमें से 3 बच्चों का डेथ हो चुका है, और मतलब पहले वाले का क्या हुआ कुछ आइडिया नहीं है, और वो दिखा भी नहीं कहीं। तो आई गेस मतलब यानी कि 3 बच्चों का डेथ हो चुका है, एंड मोस्टली रीज़न यही था कि कार एक्सीडेंट से हुआ है। और ऐसा था कि 27 को ये डेथ हुआ है, एंड 26 को मैं जो उनकी जो फीमेल डॉग है उसका कुछ तो वजाइना का इशू था, तो उसके मेडिकेशन के लिए हम रात को 10 बजे वहाँ पे गए थे उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, दवाई खिलाने के लिए। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा खेली थी, और जिस पपी को डॉग बाइट हुआ तो उसमें मैंने बहुत खेला था, क्योंकि कैसा था कि बच्चे हैं तो अपनी माँ के पास जा रहे, तो हमको बेसिकली उनको डाइवर्ट करना था ताकि उसकी माँ को हम मेडिकेशन सही से प्रोवाइड कर सकें। तो मैं डाइवर्ट कर रही थी और मैं काफ़ी खेल रही थी उनसे। जैसा ये न्यूज़ सुना तो मैं और मेरा भाई तो बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, एंड मैं तो बहुत ज़्यादा रोई भी थी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कुछ ना कुछ इनके लिए अच्छा कर रहे हैं और चाह रहे कि ये सर्वाइव करें, बट ये सर्वाइव कर नहीं पा रहे। उसके बाद
घर पे जब पापा आए तो हमने पापा को बोला कि मतलब मैं और मेरे भाई ने डिस्कशन किया कि अब एक बचा हुआ है, अब उसके साथ भी क्या होगा कुछ आइडिया नहीं है, जिस हिसाब से कार एक्सीडेंट फ्रीक्वेंटली उनके साथ हो जा रहा है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमको इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं होगा। मैं और मेरा भाई पापा से बात कर रहे थे तो पापा मुझको समझा रहे थे, मुझे मेरे भाई को, कि ठीक है तुम लोग इतना कोशिश कर रहे हो, उनके पीछे लगे हो, वही अच्छी बात है, और हर एक चीज़ को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सारी चीज़ें तो हमारे हाथ में होती नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि पापा, मैंने उन्होंने सोचा है कि हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, एंड हमको पता है कि टॉमी है हमारे पास, उसका भी ध्यान देना होता है, बट हम इसका और केयर करेंगे, हम दोनों का ध्यान देंगे। सो पापा ने बोला, देखो अगर तुमको लगता है एंड तुम लोग इतने बड़े हो चुके हो, खुद के डिसीजंस ले सकते हो, तो लेकर आ जाओ। सो जैसे ही पापा ने यह बात बोला, मैं और मेरा भाई इंक्लूडिंग श्रेयस हम लोग निकल गए, जिम के पास गए, पप्पी को उठाया और क्लिनिक लेके गए ताकि उसका जो भी टिक्स है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि टॉमी का भी ध्यान देना, टॉमी को वापस वो टिक्स नहीं आने चाहिए। तो जैसे ही डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्लिनिक में नहीं थे एंड आज भी अवेलेबल नहीं थे, यानी कि 27th को क्लिनिक में नहीं थे, 28th को अवेलेबल नहीं थे, कल वो अवेलेबल है 29th को। तो कल हम उस पप्पी को लेके जाएंगे, मतलब चार्ली को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, और उसका जो भी वैक्सीनेशन है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो कुछ भी हुआ नहीं है, तो जो भी पेंडिंग वैक्सीनेशन होगा वो सारा प्रोसेस भी समझना है एंड उसका वैक्सीनेशन भी कराना है। सो यस, यही है ये स्टोरी कि चार्ली हमारे पास कैसे आया। अभी ऐसा है कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है, वो मेरे पास मेरे बेड पे ही सो रहा है, तो उसके वजह रात को मैं नहीं सो पा रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में उठ जाता है, फिर बार बार टॉयलेट पॉटी उसका चालू ही है, तो उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहो। बट यस, धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी एंड हम भी उसके साथ एडजस्ट करते जाएंगे, क्योंकि मेन मोटिव यही था कि उसकी लाइफ जो है वो बच जाए। और टॉमी के साथ भी वो मिंगल हो चुका है, खेलता रहता है, कभी टॉमी को काटता है, तो चलते रहते हैं ये सब चीज़ें, तो धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। सो वही मैंने सोचा कि मुझे ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए कि यस, हमारे घर पे एक न्यू मेंबर आ चुका है जिसका नाम है चार्ली। चार्ली पे भी ध्यान देना, टॉमी पे ध्यान देना, मेरा वर्कशॉप देखना है, यूट्यूब देखना है, और तो हो सकता है वीडियोज़ थोड़ी लेट आए या फिर मैं इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव नहीं रहूं कंटेंट पोस्ट करने में। पूरा कोशिश करूंगी कि इनएक्टिव नहीं रहूं, मोस्टली कंटेंट्स में डालूं, पूरी कोशिश रहेगी। सो यस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।